नमस्कार, मंजुला आर्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। हमारी कोशिश कुछ खास कुछ नया, सिर्फ आपके लिए हर बार कुछ नया। तो आज हम आप सबके लिए लाए हैं महारानी पोटली, यह राजवाड़ा पोटली कैसे बनाई जाती है यह हम आप सबको आज बताएंगे। इसके लिए सामग्री लगेगी आपका मनपसंद वर्क वाला कपड़ा, आधा मीटर बकरम, मोटा अस्तर अंदर लगाने के लिए और रेशमी डोरी, और एक मीटर लेस लगेगी गोटा। तो चलिए इसकी ड्राइंग और कटिंग आप सबको आज करवाएंगे हम। हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। चलिए आप लोग ऐसे गुलाई में दो लाल कपड़ा काट के, एक गुलाई में बकरम काट के, बकरम अंदर डाल के सिलाई करके रखिए। और देखिए लेस इस प्रकार लगाना है। लेस की सिलाई इस प्रकार नीचे की तरफ एक राउंड लेस की सिलाई कीजिए आप सब लोग, जैसे हम कर रहे हैं। आप लोग की बकरम वाली सिलाई हो गई, तो ऐसा अस्तर वाला कपड़ा ये देखिए इसके अंदर बकरम डाला है, इसकी सिलाई हो गई। गोलाई में रखिए, और जो कपड़ा नीचे रहेगा जिसको अस्तर बना रहे हैं उस कपड़े को इस प्रकार गोलाई में, गोलाई वाले कपड़े के ऊपर चुन्नट डालिए और हल्के चुन्नट बनाते हुए इसकी सिलाई कीजिए। पूरी गोलाई में इस प्रकार इस कपड़े का चुन्नट लगा के गोलाई में सिलाई कीजिए आप लोग। हमारा देखते जाइए और इस प्रकार सिलाई करते जाइए। पूरी चुन्नट लगने के बाद इसको पलट देंगे। पलटने के बाद यह कपड़ा ऊपर से इसका फिर सिलाई करेंगे। इसमें अभी हमें डबल सिलाई करना है। देखिए यह कपड़ा नीचे रहेगा, इस प्रकार पूरी राउंड सिलाई कीजिए चुन्नट डालते हुए जिसे अस्तर बनाएंगे। देखिए आप लोग बनने के बाद इसका बहुत ही रॉयल लुक आएगा, जिसे पहले के समय में रानी महारानी लोग रखते थे। ये इस पोटली बैग को बनाने के लिए पीछे नीचे जो नीचे का तला हिस्सा बनेगा वहां पे इस प्रकार प्लेट लगाएंगे। ऐसा गोलाई में प्लेट लगाना है, और ये जो डोरी लगा है हम डोरी इस सूजा की सहायता से डाल के लगाए हैं। देखिए हमारा यह महारानी पोटली बैग तैयार हो चुका है। ऐसे डोरी लगाएंगे आप, दो डोरी लगाना है। इसको ऐसे दो प्रकार से इसको बांध के भी रख सकते हैं और हाथ में इसको ऐसे पकड़ के उठा सकते हैं। यह बन चुका है। अगर आपको यह महारानी पोटली बैग अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।